हिमाचल की दिलकश वादियों के बीच कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर 2 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद रेल कार फिर से दौड़ती नजर आई। रेलवे ने इस रेल कार को कालका शिमला ट्रैक पर चलाया। सुबह 5:25 पर ये रेल कार कालका स्टेशन से चली और सुबह 9:25 पर शिमला पहुंच गई। 15 सीटेड इस रेल कार में पहले दिन 7 यात्रियों ने सफर किया। रेल विभाग द्वारा ₹800 इस रेल कार का किराया तय किया गया है। इस रेल कार के साथ एक ही डिब्बा है और सैलानी इसमें सफर करना काफी पसंद करते हैं। यही नहीं, कालका से शिमला जहां अन्य ट्रेनें 5 से 6 घंटे में शिमला पहुंच गई हैं, वहीं यह रेल कार केवल 4 घंटे में ही शिमला पहुंचती है। 2019 तक यह रेल कार पहले भी चलाई जाती थी, लेकिन उस समय ऑन डिमांड ही इसे चलाया जाता था। पिछले 2 सालों से तकनीकी कारणों से इसे बंद किया गया था। वहीं रेलवे ने अब दोबारा इसका संचालन शुरू किया है और रोज सुबह कालका से शिमला पहुंचेगी और 11:45 पर शिमला से वापस कालका के लिए रवाना होगी। रेल मोटर कार में सफर कर शिमला पहुंचे सैलानी बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि इस रेल मोटर कार में सफर करने का एक अलग ही मजा है। ट्रैक पर जो टॉय ट्रेन चलती है वह 5 से 6 घंटों में कालका से शिमला तक का सफर पूरा करती है, तो ये रेल मोटर कार मात्र 4 घंटों में ही इस सफर को पूरा कर लेती है। रेल कार में कोई कोच साथ नहीं होता है, मात्र एक ही कोच और कैबिन इसमें होता है, जिसमें ड्राइवर भी इसी कोच में बैठता है। यात्रियों ने कहा कि यह रेल मोटर कार रेलवे की धरोहर है और इसे दोबारा से ट्रैक पर चलाकर अच्छी पहल की है। रेलवे की ओर से कुशन की सीटें इस रेल मोटर कार में लगाई गई हैं, जिससे सफर बेहद आरामदायक होता है। ₹800 किराया रेलवे की ओर से इस रेल मोटर कार में सफर के लिए तय किया गया है। शिमला रेलवे स्टेशन के अधीक्षक प्रिंस सेठी ने कहा, रेलवे की ओर से यात्रियों की डिमांड पर इस रेल मोटर कार को दोबारा से ट्रैक पर शुरू किया गया है। पहले दिन मात्र 7 ही यात्रियों ने इस रेल मोटर कार में कालका से शिमला तक का सफर किया है। वापसी में 5 लोगों ने इस रेल मोटर कार में सफर को लेकर बुकिंग करवाई है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जब यात्रियों को इसके बारे में पता चलेगा तो यात्री इस रेल मोटर कार में सफर को प्राथमिकता देंगे। ये जो रेल मोटर कार है, आफ्टर 2 ईयर्स इसको रिस्टोर किया गया है, रेगुलर सर्विस में आज से शुरू हुई है। इसका कालका से चलने का समय जो है वो 5:25 है, यहाँ पहुँचने का समय इसका 9:50 है और यहाँ से ये वापसी जो है 11:40 पे शिमला से रवाना होगी और इसका कालका में पहुँचने का समय जो है वो 16:30 है। इस गाड़ी में टोटल कुल 15 सीट्स हैं और एक सीट के लिए इसका ₹800 किराया जो है वो निर्धारित किया गया है। हाँ, इसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आज इसमें 7 लोग आए हैं और कल भी मैं चेक कर रहा था तो आने वाली गाड़ी जो है फुल है, पूरी की पूरी सीटें उसकी बुक हो चुकी हैं कल के लिए। परसों के लिए भी आने वाली गाड़ी फुल है और आगे जब सीज़न और आगे सीज़न आएगा, जैसे टूरिस्ट आएंगे, टूरिस्ट को आप लोगों के थ्रू पता लगेगा, तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा हमें रुझान मिलेगा। ये पहले ये गाड़ी हमारी रेगुलर सर्विस में थी, 7451 और 7452 के नाम से ये गाड़ी ऑनलाइन भी थी, लोग इसमें बुक करके भी आते थे। उसके बाद इसको चार्टर सर्विस के लिए प्रोवाइड कर दिया गया था। जो लोग पूरे के पूरे ग्रुप्स थे, जो 14 लोगों के ग्रुप्स थे, वो इसको चार्टर बुक करवा के इसमें आ सकते थे और अब इसको दोबारा से आज 18 तारीख से रेगुलर सर्विस में दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये एक ऐसी हेरिटेज ट्रेन है जो एक हेरिटेज ट्रेन कालका शिमला में अभी चल रही है, जो अंग्रेजों के टाइम पर चलती थी। पर मैं काफ़ी सालों से इसी ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ। 2 सालों से जो बंद थी पर उसका हमें काफ़ी लॉस था। था कि जो टाइमली बहुत एक बहुत कम समय में हमें पहुंचा देती है शिमला। सफ़र इसका बहुत अच्छा है, इसका सफ़र एक अलग तरह का रोमांचक। टूरिस्ट के लिए तो ये बहुत बढ़िया रेल कार, क्योंकि यदि हमारी पसंद ये रेल कार है तो टूरिस्ट के लिए तो नेचर लीजिए। मैं वैसे तो ग्वालियर से हूँ, लेकिन चंडीगढ़ फिलहाल 27 सेक्टर से। ऐसा कि चूँकि मुझे पता नहीं था कि पहली बार ये यहाँ पे आई है, मैं भी फर्स्ट टाइम ही शिमला आया हूँ, तो काफ़ी लाजवाब सफ़र था और आसपास के जो व्यू देखने को मिले वो भी लाजवाब थे। और ट्रेन इस ट्रेन का भी जो वास्तव में जो लगा, जैसे कहीं अपन बाहर लंबे सफ़र पे जाते तो शताब्दी में जैसे लगता, सेम वैसे ही इसमें ये बेटर रहेगा। और किराया कितना था और सफ़र के किस तरह का रहा? किराया के जिस हिसाब से किराया था उस हिसाब से ये ट्रेन ये इस ट्रेन को मैनेज करना बड़ी सरकार की यहाँ पे उपलब्धि है। दूसरा ₹800 में अगर हमको ये कालका से यहाँ शिमला छोड़ रही है, काफ़ी बड़ी मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी है। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।